आप पे नहीं है व्यवस्था बताइए, हम देंगे पैसे, लेकिन ये बदलवाइए, अपमान मत कराइए भाई। फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी हमें बहुत अच्छी तरह से वो है, और हमें मजबूरी में आना पड़ा, हम कोशिश से नहीं आए। अगर हमारे रहबरों के महापुरुषों की इस तरह बिज्जती होगी तो क्या करेंगे हम लोग? मैं आपको दिखाऊं इंटरनेशनल वीडियो, कितने कंट्रियों की वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ कुछ नहीं हुआ, जुगा तो टूटी हुई स्टैचू रखी हुई। दुनिया में 30 करोड़ फॉलोवर हैं संत रविदास जी के, तो आपको लग रहा है मजाक है यार, क्या कमाल हो गया, इसे करवाइए, ये बेहतर है। कब तक हो जाएगी? इससे पहले विवाद हो जाए और यहाँ के लोग बाहर निकले, फिर ये हम तो कुछ नहीं है, लॉकडाउन फिर सब टूट जाएगा। कानून का पालन करें, 5 दिन से नहीं आ रहे लोग, समझिए, लेकिन एक सीमा होती है, अब खत्म हुई, आप कराइए इसे, वरना तो अगर आप आपसे पैसे नहीं तो प्रशासन हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमारे रहबरों का अपमान होगा तो ये कैसे एक्सेप्ट होगा बताइए इंस्पेक्टर साहब? इसे करवाओ, इसको कराइए, आज शाम के टाइम आपसे रिपोर्ट लेंगे, ठीक है? मान्यवर, ये अगर मूर्ति शाम तक नहीं लगती है तो कल फिर हम लोग दोबारा आएंगे, ठीक है, कर लीजिए। नहीं कोई नहीं, आप आपको देखो, आप लोग आए, आप अपनी मजबूरी के हिसाब से मैं समय बता दीजिए। जैसे हम सभी के हैं रविदास जी, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर, ठीक है, आपने कहा है तो हम भी जाएंगे कि ऐसा कुछ ना हो, देखो कोई नहीं चाहता कि ऐसा कुछ, ये बातें करने में अच्छा लगता है। आपने कहा कि सबके संत जो होते हैं वो सबके होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर देखने को मिला है, 5 दिन हो चुके हैं गिरफ्तारी के बारे में भी यहाँ के इंचार्जों ने जानकारी दी है, उन्होंने कहा किसी मंदबुद्ध ने कर दिया, ये एक बड़े समाज का मामला, 30 करोड़ फॉलोवर्स हैं संत श्रोमण सदगुरु रविदास जी महाराज के पूरे देश में, और सब में नाराजगी इस बात को लेके। हरिद्वार कोई छोटी जगह नहीं, बहुत अहम जगह है, पूरी दुनिया की जो है इसे देखती है। तो अभी भी जो मैंने देखा कि प्रतिमा जो है वो खंडित है, और यहाँ के प्रशासन ने मजाक समझ रखा है, यहाँ की सरकार ने मजाक समझ रखा, उन्होंने बदली नहीं है, बस वो डेंट पेंट करके लगा के खड़ी कर दी, ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर। अभी इंचार्ज जो यहाँ, आप उनसे लीजिएगा उनका बयान कि वो कब तक इसको ठीक कराएंगे, अगर ये ठीक नहीं होगी, हमने उनसे भी कहा अगर प्रशासन पे पैसे ना हो सरकार पे ना तो हमें बताएं, हम अपने पैसे से जो है मूर्ति रखवा देंगे, लेकिन अगर इस तरह अपमान कर किया जाएगा पूरे समाज का तो बर्दाश्त नहीं। यदि प्रतिमा ठीक नहीं कराई जाती है तो आपका स्टेप क्या रहेगा? देखिए, हम कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं, लॉकडाउन जिस दिन खत्म होगा, लॉकडाउन की बात से भी अगर हम अकेले भी बैठ जाएंगे तो ये भी सरकार को भारी हो जाएगा, हम लॉकडाउन का कानून का पालन करते हैं, वरना संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज का आंदोलन दिल्ली वाला लोग भूले नहीं है। मूर्ति खंडित में एक मंद बुद्धि को प्रशासन के अनुसार जेल भेजा गया है, संतुष्ट हैं आप लोग? अच्छी से संतुष्टि की तो बात तो ये है कि हम बेहतर जानते हैं पुलिस की कार्रवाई, कि जब पुलिस अपना पल्ला झाड़ना चाहती तो किसी ना किसी को तो भेजती है, लेकिन अच्छी बात है अगर वही अपराधी हो, अगर किसने शरारत की हो तो उसका भी ख्याल रखा जाएगा, या तो भीम आर्मी के नौजवान है तो हम अपने आप भी निकाल लेंगे किसने किया है, लेकिन अगर अपराधी को बचाने का प्रयास किया जाएगा तो इसके परिणाम फिर जो है वो अच्छे नहीं होंगे। अगर ये